Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martindal Bridge, Ajmer. Estron, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कह रहे हैं ना, एक मिनट सुनो, प्रेस वाले तो हमारा बयान दोगे नहीं, उन्हीं का बयान लेते हो जो आरएसएस की चमचागिरियां करता है, और हम आरएसएस के सख्त खिलाफ है और अपना जानी दुश्मन मानते हैं उनको। इन्होंने इस देश के सोशल फैब्रिक को खराब किया और तुम मीडिया ने इस देश की बारा बजाई है। और दूसरी बात ये सुनो जी, मोदी और अमित शाह जो कह रहे हैं मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए, तो मुसलमान तो अल्लाह से डरता है, हमें किसी से डरने वरने की जरूरत नहीं है। ना मोदी को मानते हैं, ना अमित शाह को मानते हैं, ना तुम्हारी प्रेस को मानते हैं। दैट्स ऑल। आज बाद नमाज जुमा बारगाह सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुजूर सरकार करी नमाज की बारगाह से अंजुमन मोइनिया फखरिया चिश्तिया खुद्दाम ख्वाजा साहब की क़यादत में यहाँ पर एक एहतजाजी जलसा मुनाकिद किया गया, जो कि गरीब नवाज की बारगाह से तमाम लोग जमा हुए यहाँ पर, और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ एहतजाज किया गया, और बारगाह गरीब नवाज से हम ये हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर फिर से नज़रसानी करें, क्योंकि हमारा आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि धर्म की मजहब की बुनियाद पर किसी किस्म का कोई भेदभाव किया जाए। लिहाजा जो भी कानून बनाया जाए वो सबके लिए बनाया जाए। अगर सिटीजनशिप देनी है तो जितने भी शरणार्थी हैं, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर कोई कानून की शक्ल आप बनाना चाहते हैं तो हमारा ये कहना है कि वो धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए। और गरीब नवाज का यही पैगाम था जो इंसानियत और मसावात का गरीब नवाज ने दिया था। मसावात का मतलब बराबरी, और ये चीज़ गरीब नवाज के दरबार में आज भी नज़र आती है कि ख्वाजा साहब के दरबार में खा कैसा भी माहौल हो मुल्क का, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में हर मजहब व मिल्लत का इंसान बिना किसी तफरीक मजहब व मिल्लत के, बिना किसी भेदभाव के हमेशा बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होते हैं। हजारों गैर मुस्लिम भी, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान तो आते ही हैं, 60-70% गैर मुस्लिम बारगाह गरीब नवाज में हाजिर होते हैं, और गरीब नवाज का फैलान उनके ऊपर आम होता है। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में जितनी भी कौमें रहती हैं तमाम भाईचारगी से रहें, मिलजुल करके रहे, और यही पैगाम गरीब नवाज ने दिया था, बराबरी का पैगाम। और यही बात आज हम बारगाह गरीब नवाज से कहते हैं कि तमाम हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, और हमारी गंगा जमनी तहजीब जो है वो हमेशा बरकरार रहे। इसी पैगाम के लिए ये जलसा रखा गया, और लिहाजा यही पैगाम हम तमाम हमारे जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी हाँ वो किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक रखते हैं, तमाम लोगों के लिए ये पैगाम है बारगाह गरीब नवाज से कि आप यहाँ आप भाईचारगी से रहें, और हमारा किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब मुल्क में अमन व अमान कायम रहता है। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, और हमारा देश तरक्की की जानिब आगे बढ़ता रहे, और गरीब नवाज के सदक़े में हमारे देश में खुशहाली है। जो बिल के खिलाफ एहतजाजी जलसा जो हमने रखा, ये सिर्फ अजमेर का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बारगाहों का है, क्योंकि हमारा ताल्लुक पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से है। जहाँ जहाँ हमारी दरगाह है, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस बिल के खिलाफ हैं, और हुकूमत को ये सोचना पड़ेगा, इस बिल के बारे में दोबारा पूर्ण विचार करना पड़ेगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा लॉ इजाजत दे रहा है उसके हिसाब से हमारे लिए हिंदुस्तान में काम होना चाहिए। सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ लेकर चलना पड़ेगा। ना तो ये मुल्क हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ये सभी फिरकों का मुल्क है जितने लोग यहाँ रहते हैं। यही पैगाम हमारे महान सूफी संत ख्वाजा मोइन चिश्ती अजमेर में लेकर आए, जो आज पूरी दुनिया में इनका पैगाम फैल रहा है, मोहब्बत इस्लाम भाईचारे का। मैं एस एफ हसन चिश्ती, गति नशीन, ख्वाजा साहब, दरगाह शरीफ।